अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सबको। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को नोमी सोलर सॉल्यूशन की टाइम से खुश आमदी। आज हमने एक और नया प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है 10 kW ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का, जिस पे आप वर्किंग देख सकते हैं। लड़के लगे हुए हैं, अभी हमने सारा काम स्टार्ट किया हुआ है। ये लड़के DC राउट लेकर आ चुके हैं, साथ ही हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। बस यहाँ पर कुछ TV लगाना रह गई हैं और बाकी डक्टिंग का काम भी हो रहा है। साथ ही साथ हम आपको दिखाएं सिस्टम के लिए एक DC अर्थ का काम भी शुरू हुआ है। अलबत्ता हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, कुछ DC अर्थ का काम अभी पेंडिंग चल रहा है। अभी हमने यहाँ पर इसमें रॉड वाड ठोक दिए हैं, डाल दिए हैं अर्थिंग के काम में। अर्थिंग का राउट डल चुके हैं, अब अर्थिंग का काम भी हो रहा है और साथ ही साथ हम इसके बाकी पेंडिंग काम भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम शेड का काम भी, मतलब पैनल लगाने का काम भी करने लगे हैं, स्टार्ट करने लगे हैं। अर्थिंग के काम के साथ साथ अभी आप देख सकते हैं इसमें 3 रॉड हम डालते हैं। अर्थिंग के रॉड DC अर्थ के लिए हम 3 रॉड के इस्तेमाल करते हैं ताकि अर्थिंग बेहतरीन हो सके। इसके अलावा ये हमारा शेड पैनल लगाने के लिए शेड का फ्रेम ऊपर पहुंचाया जा रहा है ताकि बाकी काम भी वर्किंग चलती रहे। ये हमारे वर्कर्स लगे हुए हैं, स्ट्रक्चर जो है ऊपर पहुंचाया जा रहा है ताकि ये वर्क एक डे में या 2 दिन में फाइनल करके साइड पे किया जा सके। अभी ये लड़के लगे हुए हैं शर्ट का। इसमें जो हम पैनल यूज़ करेंगे JA445 के पैनल इस्तेमाल करेंगे और ताकि मोनोपर के पैनल इस्तेमाल करेंगे और ये बाकी पेंडिंग वर्क लड़के लगे हुए हैं कर रहे हैं। अर्थिंग का काम देखा जाए तो अभी इसमें पाउडर डाल दिया गया है, पाउडर डालने का टाइम आ गया और इसमें 3 रॉड्स को आपस में कनेक्ट करने का टाइम है और ये पाउडर पड़ा हुआ है। अब इसमें हम ये पाउडर डालेंगे, अर्थ पाउडर इसे कहा जाता है, जो हम इसमें डालेंगे। ये अर्थ पाउडर आप देख सकते हैं हमने एक में डाल दिया है और उसमें कुछ पानी वगैरह मिक्स कर दिया है और इसके साथ साथ अभी ये इसकी प्रॉपर मिक्सिंग भी जा रही है अर्थ की, जो कि लड़के लगे हुए हैं अर्थिंग का पाउडर मिक्स करके डाल रहे हैं। अब इसके बाद अभी हमने तीसरा एक खड्डा रहता है उसमें भी एक अर्थ का पाउडर डालना है, तो तीनों को आपस में एक साथ कनेक्ट करना है। ये आप देख सकते हैं कि तीनों खड्डे बस अभी कनेक्ट हो रहे हैं। ये तीसरा पाउडर का पैकेट अभी इसमें डाला जा रहा है। ये तीसरा पाउडर अभी डल चुका है, बाकी इसमें भी पानी डाल के इसको सॉल्व करके इसमें अर्थिंग की वैल्यूज़ वगैरह हम चेक कर लेंगे, इसकी अर्थिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई। इस सिस्टम के रेट्स वगैरह डालने जानने के लिए हमारे साथ हमारे कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे। पानी का काम, पानी डाल चुका है इसमें और पानी डालने के बाद अब इसकी वैल्यूज़ वगैरह हम बाद में देखेंगे। अब हम शर्ट के ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। शर्ट का काम भी ऑलमोस्ट चल रहा है, ड्रिलिंग वगैरह हो चुकी है, बेस प्लेटें लग चुके हैं और इसमें बस स्ट्रक्चर को खड़ा करने का टाइम अभी हो गया है। अब इसमें हम ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे। वर्किंग टीम हमारी इंडोर आउटडोर दोनों पे लगी हुई है। बाकी ये आप देख सकते हैं पोल्स खड़े हो चुके हैं इसके, और इसके कुछ पोल्स खड़े हो गए हैं, कुछ पोल्स अभी खड़ा करना बाकी है। पैनल की माउंटिंग भी जा रही है, चैनल्स पर फिट हो चुके हैं। अब ये पीछे बैक एंड पे भी कुछ पोल खड़े हो गए हैं, कुछ फ्रंट पे भी खड़े हो गए हैं और ये हमारे आधे से ज़्यादा पोल्स खड़े हो चुके हैं और इस पर अभी पैनल माउंटिंग का काम अभी जारी है। आप पैनल देख सकते हैं सारे माउंट हो चुके हैं इसके ऊपर और इसके ऊपर अभी बस इसे खाली लिफ्ट उठाने का काम रह जाएगा। बाकी पैनल सारे रेडी हो चुके हैं, बस इसे अभी उठाने का काम और इसे स्ट्रक्चर के ऊपर रखने का काम रह जाएगा। सारे एक साथ उठाने का मकसद यही है कि टाइम की ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो सके। अब इसके ऊपर हमने HBM भी रख दिया है ताकि इसके ऊपर ईजिली पैनल माउंट हो सके। HBM पैनल भी तमाम रेडी हो चुके हैं, HBM भी रेडी हो चुके हैं, सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। यह पैनल हमने ऊपर रख ली हैं और बस इसके वेल्डिंग वगैरह का काम जारी है और वेल्डिंग का काम होने के बाद इसकी कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी पूरे सिस्टम के इंस्टॉलेशन की। शुक्रिया।